डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी पहली क्लास है और पहले ही क्लास में पिछले क्लास में भी ये सूचना दी गई थी कि आपकी आर्टिकल सेक्शन शुरू होगी, जिसको ग्रामर का हम शून्य कहते हैं, यानी जहां से हम शुरुआत करते हैं ग्रामर का। तो दिस क्लास इज ओनली फॉर क्लास 11th, बट एज यू नो दैट ग्रामर कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, ग्रामर इज यूनिवर्सल। देयरफॉर if the students of class 12 are also interested in understanding articles, they can view this video as well. But let me repeat once again, this is especially for class 11th. For all boards, either it is JAC board, CBSE board or BSEB board, the students who are studying in class 11th, this chapter is going to be very important, as I told you earlier, for all boards. So let us start understanding articles. आप यहां देख रहे हो आर्टिकल के दो रूप लिखे हुए हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अब सवाल है कि द को डेफिनेट क्यों कहा गया। एक स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन होगा आपके मन में कि सर द को डेफिनेट और ए एन को इनडेफिनेट क्यों कहा गया। तो मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स कि द का प्रयोग फिक्स रहता है कि यहां हमको द ही लगाना है। हाँ, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, 23-24 पॉइंट्स होंगे जो आने वाले क्लासेस में हम लोगों को समझना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहां यहां आपको द लगाना है, वहां आप कुछ नहीं कर सकते, आप उन चीजों को बदल नहीं सकते, वहां आपको द ही लगाना पड़ेगा। तो वो फिक्स है इसलिए उसको डेफिनेट कहा जाता है। ए और एन में अनिश्चितता रहती है, एक के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं और एक के लिए ही हम लोग एन का भी प्रयोग करते हैं। तो दिस इज ये इनडेफिनिट जो है, ये जो निश्चित नहीं है कि कहां ए लगेगा और कहां एन लगेगा, इसके चलते इसको हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसे अगर आप बोलते हो एक किताब तो आप बोलते हो अ बुक, एक कलम आप बोलते हो अ पेन, एक बिल्ली अ कैट, एक कुत्ता अ डॉग, अब वहीं पर एक सेब एन एप्पल, एक नारंगी एन ऑरेंज, एक छाता एन अम्ब्रेला। तब आप देखो कि एक कुत्ता था तो अ डॉग और एक नारंगी हुई तो एन ऑरेंज, दोनों जगह एक ही है हिंदी में, लेकिन कहीं ए लग रहा था और कहीं एन लग रहा था। यही कारण है जिसके चलते इसको हम लोग इनडेफिनिट यानी अनिश्चित कहते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हो कि क्यों डेफिनेट और क्यों इनडेफिनेट होता है। अब जैसे द बेस्ट, सबसे अच्छा, द विंटर सीजन, शरद ऋतु, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अखबार का नाम। तो यहां आप निश्चित रहो कि इसके आगे द लगाना ही पड़ता है, इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते, इसीलिए वो डेफिनेट कहा जाता है। हाँ, ये साउंड कभी कभी द को द और दी भी बोला जाता है, ये डिपेंड करता है कि जो चीजें आप बोल रहे हो हाँ उसका पहला अक्षर क्या ध्वनि दे रहा है, ध्वनि मतलब सुनने में कैसा लग रहा है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया तो ट, अगर स्वर वर्ण से उच्चारण हो रहा है तो दी बोलेंगे, दी, दी ऑक्स, दी एलिफेंट। और अगर व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण समझ रहे हो हिंदी में, अ आ से लेकर के अंग अह तक, अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, हां ये से लेकर अंग अह तक, ये सब को हम लोग हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। और हिंदी वाला ही पकड़ना, अंग्रेजी का आप नहीं देखना बावल और कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू के लफड़े में नहीं रहो, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है और वो आपको परेशान कर देगा, उसमें हमेशा आप गलती करते रहो। हिंदी में अगर अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई से उच्चारण है पहले अक्षर का तो उसके पहले दी बोला जाएगा, बोला जाएगा। और अगर क ख ग घ यर ल व क्षत्र ज्ञ, यानी पूरा क ख ग घ वाली जो खड़ी है उससे अगर उसका उच्चारण हो रहा है तो द बोला जाए, जैसे द कैट, द काउ, ऐसे। तो अब हम लोग समझते हैं कि कहां ए और कहां एन। अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पहले ये दुविधा भी, जैसे ऊपर से हम लोग डेफिनेट इंडेफिनेट को क्लियर कर रहे थे उसी तरह इस दुविधा को भी क्लियर। कौन सी दुविधा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर बना है सिंगल से,
सिंगल मतलब एक होता है, सिंगुलर को हम लोग शुद्ध हिंदी में एक वचन कहते हैं। तो अगर कोई नाउन क्या हो, एक हो संख्या में, अगर बॉयज है, लड़के हैं, तो आप बॉयज नहीं बोल सकते, एक लड़के नहीं हो, एक लड़का भले हो सकता, अब बॉय। किताबें हैं, बुक्स है, तो अब बुक्स नहीं कहा है। कई सेब है तो एप्पल्स एन एप्पल्स नहीं होगा, यानी संख्या में निश्चित रूप से वो कितना होना चाहिए, एक ही, सिंगुलर होगा, तभी उसके पहले या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा। तो पहले हम लोग समझ रहे हैं कि एक इसके आगे लगेगा। तो क्या लिखा है, अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेट अस फोकस हियर, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाम से ही लगता है जिसको काउंट किया जा सकता है, जिसको गिना जा सकता है। दो तरह के नाउन होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, एक जिसको गिन सकते हो और जिसको गिन नहीं सकते हो। तो काउंटेबल जिसको गिन सकते हो और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते। आप कहोगे सर हम लोग तो बचपन से पढ़ते हैं पांच तरह के नाउन होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। आप यहां उसको दो ढंग से, तो लेट मी टेल यू माई फ्रेंड्स, द डेफिनेशन हैज बीन चेंज्ड, द क्लासिफिकेशन हैज बीन चेंज्ड, बट द रियल एसेंस इज स्टिल इंटैक्ट, दे हैव नॉट बीन चेंज्ड। उसका वर्गीकरण बदला है लेकिन रूप वही है, यानी शराब वही है, केवल बोतल बदल दी गई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, पांच नाउन जैसे व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक था, उस पांच में देखोगे कि तीन को हम गिन नहीं सकते। किसको नहीं गिन सकते, व्यक्तिवाचक को। व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या है, किसी खास व्यक्ति, याद रखिए खास, यानी अगर आप बोल दो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं तो आपकी परिभाषा गलत हो जाएगी। द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, आई हैव यूज्ड हियर अ स्पेशल वर्ड दैट इज पर्टिकुलर। ऑब्वियसली देयर विल बी ए क्वेश्चन इन योर माइंड, सर व्हाई पर्टिकुलर। तो हर आदमी अपने आप में क्या होता है, खास होता है। जैसे सचिन तेंदुलेकर, देयर माइट बी मिलियंस ऑफ सचिन इन आवर कंट्री, बट द सचिन तेंदुलकर अबाउट हुम वी आर टॉकिंग हियर इज ओनली वन इन इंडिया इन वर्ल्ड। कि सचिन नाम के करोड़ों लोग हो सकते हैं हमारे देश में, लेकिन जिस सचिन तेंदुलकर को हम लोग बड़ा अच्छे ढंग से जानते हो वो दुनिया में अकेले हैं। इसलिए जो चीजें दुनिया में अकेली होती है उसे गिना नहीं जाता, एक सूरज, दो सूरज, एक चांद, पांच चांद नहीं होते वो, क्योंकि दुनिया में अकेले होते हैं, उसकी गणना नहीं होती है। तो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की गणना नहीं होगी, द्रव्यवाचक की गणना नहीं होगी, एक पानी, एक तेल, एक चावल, एक गेहूं, एक सोना, एक हीरा नहीं होगा। भाववाचक की गिनती नहीं होती, उसकी भावना से दयालुता, ईमानदारी, एक दयालुता, पांच ईमानदारी, ऐसे नहीं होता। तो द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक को गिन नहीं सकते, इसलिए उसको हम लोग अनकाउंटेबल कहते हैं। और गिन किसको सकते हैं, जातिवाचक, जैसे गाय, घोड़ा, लड़का, लड़की, कुर्सी, टेबल, और समूहवाचक को, मेला, हटिया, ये सबको हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग काउंटेबल कहते हैं। तो जातिवाचक, समूहवाचक मिलकर के काउंटेबल, और प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक, और मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक, ये तीनों गिना नहीं जाता है, इसलिए अनकाउंटेबल। तो अब आप देखोगे कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी वो संख्या में एक हो और काउंटेबल हो, काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, कि प्रथम अक्षर की ध्वनि व्यंजन वर्ण। अब आप पुराना वाला परिभाषा भूल जाओ, ए ई आई ओ यू, हाँ, कि ये वावेल होते हैं, वावेल पांच होते हैं, वो अंग्रेजी के रूप है। हमें अब हिंदी से ही केवल समझना कि अगर पहले अक्षर की ध्वनि क ख ग ग से लेके यरल व के तरह हो तो उसके आगे ए लगाओगे। जैसे आप देखो यहां, अब बुक, बुक का पहला अक्षर क्या है, ब, यूरोपियन। अब आप देखो यूरोपियन का पहला अक्षर अंग्रेजी के हिसाब से ई है, ई इज अ वॉवेल अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, तो ई तो क्या है, वॉवेल है, लेकिन फिर भी इसके आगे क्या लगा, आ, क्योंकि इसकी जो साउंड होती है, ध्वनि जो होती है, जो हम बोलते हैं, वो क्या होता है, यूरोपियन।
य व्यंजन वर्ण है। यूनियन, यूनियन का पहला अक्षर देखो यू है, हाँ अपने अंग्रेजी में वो भाव है लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो फिर क्या आ गया य, इसलिए ए यूनियन, एन यूनियन नहीं। अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी यू है, बॉवेल है लेकिन जब उच्चारण पर जाते हैं बोलते जब हैं तो पहला अक्षर क्या आता है य, और य क्या है व्यंजन वर्ण, तो अगर पहले अक्षर की ध्वनि व्यंजन वर्ण के तरह हो तो ए लगाओगे, पहले अक्षर की ध्वनि स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसको कहते हैं, ओ आ ह्रस्व इ दीर्घ ये सब, तो एन लगाओगे। जैसे देखिए यहां वन आइड पर्सन, तो पहला अक्षर तो ओ है, वो तो आप जानते हो बचपन से सीखे हो कि वॉवेल, लेकिन हम यहां ए लगा रहे, ए क्यों लगा, क्योंकि वन आइड का पहला अक्षर जब साउंड करता है तो व होता है, यौर ल व, तो अगर क ख ग घ से यौर ल तक साउंड करे, साउंड यानी ध्वनि सुनने में लगे कि हम य बोले, हम व बोले, हम क बोले, ख बोले, तो आपको उसके आगे ए लगाना। एन कब लगाना, बस ठीक उसका उल्टा, कोई नया चीज नहीं है एन में, कि अगर पहले अक्षर की ध्वनि किसके तरह हो स्वर वर्ण, तो यहां हमने लिखा स्वर वर्ण क्या, ओ आ रसोई अंग आ ये सब, पूरा का पूरा ओ आ वाली जो खड़ी है वो स्वर वर्ण कहलाता है। एप्पल, एप्पल देखो ए का, इसलिए एप्पल। ऑनेस्ट लिखे है एच, एच वॉवेल नहीं होता अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से, लेकिन फिर भी एन लग गया क्योंकि उसकी जो साउंड है ध्वनि है जब हम बोलते हैं तो वो क्या बोल देते हैं, अ। आवर, आवर एच है लेकिन जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आ आ, इसलिए उसके आगे क्या लगा, एन। उसी तरह एचएस स्कूल टीचर, एचएस स्कूल जब आप बोलोगे तो पहला अक्षर क्या होगा, एकार, और एकार क्या होता है स्वर वर्ण, इसलिए एन लगा। एमएलए, एसडीओ, सब में देखेंगे पहला लेटर में हम अंडरलाइन कर दें, यानी उसको उच्चारण में हिंदी अंग्रेजी में तो एम लिखे, अंग्रेजी में तो एस लिखे, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं एकार आता है, और एकार स्वर वर्ण है इसलिए उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग होता है। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन। अगले क्लास में हम लोग द का प्रयोग सीखेंगे, लेकिन ए एन से संबंधित कुछ और बातों को कहना बाकी रह गया है, तो पहले अगले क्लास में उन सारी बातों को और क्लियर करेंगे, तब हम द का पॉइंट शुरू करेंगे। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द होल थिंग्स प्रॉपरली, और थैंक्स फॉर व्यूइंग माई वीडियो।